एंड वेलकम बैक टू वी गॉर्जियस। आज आपके साथ शेयर करने वाली एक अमेजिंग सी DIY रेमेडी, और वो है एक हेयर मास्क जो आपके बालों को स्मूथनिंग प्रोवाइड करेगा, सॉफ्टनेस प्रोवाइड करेगा। अगर आपके बाल इस तरह से बिल्कुल बेजान है, मैनेजेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजनेस है आपके बालों में, तो इस मास्क को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। आई एम श्योर आपको ये रेमेडी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। साथ ही साथ ये आपके बालों में टूटने झड़ने की प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करेगा और आपके बालों को ग्रोथ प्रोवाइड करेगा। तो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के और वीडियोज़ के लिए। तो इस रेमेडी को हमें किस तरह से बनाना है, चलिए देख लेते हैं आपके बालों को स्मूथनेस और सॉफ्टनेस प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस मास्क को प्रिपेयर करने के लिए हमारा पहला इंग्रेडिएंट जो हम यहाँ पर लेने वाले हैं वो है चावल। मैं यहाँ पर चावल का आटा ले रही हूँ। अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल ना हो तो आप नॉर्मल साबुत चावल ले सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं। अगर आप फ्लोर ले रहे हैं, चावल का आटा ले रहे हैं, तो आप 2 चम्मच चावल का आटा इस तरह से ऐड करके उसे पानी से इस तरह से आप मिक्स कर लीजिए। ये प्रिपरेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे जाकर जब हम इसे सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो किसी भी तरह के लम्ब्स उसमें ना बने। तो इस तरह से आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस चावल आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जितना ये आपकी स्किन के लिए अच्छा है, उतना ही आपके बालों की स्ट्रेंथनिंग और उसे ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए अच्छा है। इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स और विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके बालों की रूट्स को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसमें अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बालों की ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं और आपके हेयर रूट्स को स्ट्रेंथ को स्मूथनिंग प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टर बनाते हैं आपके बालों को। चावल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स आपके बालों में किसी भी तरह के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपके स्कैल्प में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, आपको बालों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, अगर आपके बाल फ्रिजी हैं, ड्राई हैं, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है, ये इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। तो इस तरह से इस पेस्ट को आपको रेडी कर लेना है। अगर आप नॉर्मल चावल ले रहे हैं तो आप उसे डायरेक्ट पैन में ऐड कर सकते हैं जब हम सॉल्यूशन आगे बनाएंगे। अगर आप आटा ले रहे हैं तो इस तरह से आप इसको मिक्स कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं इसमें किसी भी तरह का कोई लम्ब्स नहीं है, कोई भी गाँठें नहीं पड़ी हैं। तो ये आपको रेडी कर लेना है। अब इसके बाद हम सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमें लेना है एक पैन और यहाँ आपको ऐड करना है 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। फ्लैक्स सीड्स अगेन आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, साथ ही साथ आपके बालों को मैनेजेबल बनाता है, आपके बालों में स्मूथनेस और सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। तो 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स लेने के बाद आपको यहाँ पर ऐड करना है 1 बड़ा गिलास पानी। पानी ऐड कर लीजिए, इसे मिक्स कर लीजिए। इसके बाद आप जो हमने सॉल्यूशन रेडी किया है चावल के आटे का, वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। अगर आप साबुत चावल ले रहे हैं तो 2 चम्मच चावल आप लेंगे, उसे अच्छे से वॉश करने के बाद अब इसमें डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे मिक्स कर लीजिए। अब आपको इसे मीडियम फ्लेम पर कम से कम 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। गैस को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर ना करें, नॉर्मल मीडियम फ्लेम पर आपको इसे थोड़ी देर के लिए पका लेना है। 4 से 5 मिनट इसे अच्छे से नॉर्मल मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है। अलसी के बीज और चावल का आटा जो हमने यहाँ पर ऐड किया था, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ वाटर में आ चुकी है और ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 से 5 मिनट के लिए इसे कुक करना है मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद आप एक उबाल जब आ जाएगा, इसमें आपने झाग की फॉर्मेशन होने लगेगी और ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो इस कंडीशन में आपको फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। अब इस सॉल्यूशन को आपको गरम गरम ही छान लेना है, इसे ठंडा होने के लिए ना छोड़े, क्योंकि जो बीज हैं वो जेल के साथ चिपक जाते हैं, उसके बाद इसे छानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब ये गरम कंडीशन में ही होगा तो गरम गरम आप इसको स्ट्रेन कर लीजिए। किसी बर्तन में आपको इसे छन्नी की हेल्प से स्ट्रेन कर लेना है इस तरह से। तो ये बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है गाइस। सिर्फ ये 2 इंग्रेडिएंट आपको ज़रूरी है यहाँ पर, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके बालों को टूटने झड़ने से बचाएगा, आपके बालों की नई ग्रोथ को प्रोवाइड करेगा, आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस और सॉफ्टनेस प्रोवाइड करेगा, आपके बालों में किसी भी तरह की फ्रिजनेस है, स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये कॉम्बिनेशन। इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करके इसे पका लीजिए और उसके बाद इसको आपको छान लेना है। तो ये इस तरह की थिक कंसिस्टेंसी आपको मिल जाएगी, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके बालों के लिए।
इन दोनों ही इंग्रेडिएंट में काफ़ी सारे मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, आपके बालों की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इस तरह से आप इसे छान लीजिए, आप देख सकते हैं अभी ये गर्म ही है और काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है, तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए यहाँ पर। अगर ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है तो आप यहाँ पर नॉर्मल मिल्क ऐड कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए। तो अभी जैसी इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी ही चाहिए। इसे छानने के बाद जो ये सॉल्यूशन आपके पास बचा है, ये इसे आपको फेंकना नहीं है, इसे आप अच्छी तरह से मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। ये जितना हेल्पफुल और बेनिफिशियल आपके बालों के लिए, उतना ही ज़्यादा आपके स्किन के लिए। अगर आपके स्किन में किसी भी तरह की झुर्रियाँ, रिंकल्स पड़ना स्टार्ट हो गया है, डार्क स्पॉट्स हैं, इन सारी प्रॉब्लम को दूर करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को ग्लोइंग इफेक्ट देता है। तो इसे पेस्ट बनाकर आप अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह का पेस्ट आपको मिल जाएगा। इस पेस्ट को आपको अपने बालों पर अप्लाई करना है, बट ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसे थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में जब ये आ जाए तो आपको यहाँ पर ऐड करना है कोई भी ऑयल। आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल है, जो आप अपने बालों के लिए यूज़ करते हैं, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पर कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, विटामिन ई ऑयल या तिल का तेल, जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल है जो आपके बालों को सूट करता है, वो यहाँ पर एक चम्मच आपको ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक चम्मच कोकोनट ऑयल ऐड किया है। जब ये थोड़ा वार्म कंडीशन में होगा तभी आप इसमें ऑयल ऐड करके मिक्स कर लीजिए, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह से आपको ऑयल इसमें ऐड कर लेना है। ऑयल आपके बालों की सॉफ्टनेस को और इंक्रीज़ करेगा, आपके बालों की फ्रिजीनेस को और कंट्रोल करेगा। तो कोई भी थिक ऑयल अगर आप यहाँ पर यूज़ करना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मिक्सचर कितना ज़्यादा स्मूथ है, ये जितना स्मूथ देखने में है उतनी ही स्मूथनिंग और सॉफ्टनेस आपके बालों को प्रोवाइड करेगा। अगर बात करें फ्लैक्स सीड्स की, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ओमेगा फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें आपके बालों को मैनेजेबल बनाती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मूथनिंग प्रोवाइड करती हैं, साथ ही साथ आपके बालों की ग्रोथ को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती हैं, टूटने झड़ने की प्रॉब्लम को रोकती हैं, आपके बालों की फॉलिंग की प्रॉब्लम को एक कम्प्लीटली स्टॉप कर देते हैं। तो ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ इन दोनों चीज़ों में प्रेजेंट हैं। तो इसका पेस्ट बनाकर अगर आप अपने बालों पर अप्लाई करते हैं तो आपके बालों की सारी प्रॉब्लम मैनेज हो जाएंगी, आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा इजी रेमेडी है ये। तो इसे आपको अपने बालों की स्कैल्प पर अच्छी तरह से मसाज करते हुए अप्लाई करना है, पूरी स्ट्रेंथ पर, पूरी लेंथ पर आप इसे अप्लाई कर लीजिए। एक घंटा छोड़िए और इसके बाद आप नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर लीजिए, या चाहे तो माइल्ड शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। ये आपके बालों को इतना ज़्यादा मैनेजेबल बना देगा, इतना ज़्यादा सॉफ्टनिंग, इतनी ज़्यादा स्मूथनिंग प्रोवाइड करेगा आपके बालों में कि आपको पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ आपके बालों में स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम को दूर करेगा, आपके बालों का टूटना झड़ना कंट्रोल करेगा। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेमेडी है गाइस, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपके बालों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देगा। इस मास्क को आप हफ्ते में कम एक या दो बार ज़रूर ट्राई कीजिए, एक महीने तक इस रूटीन को फॉलो कीजिए, आपके बालों की सारी प्रॉब्लम को ये कम्प्लीटली स्टॉप कर देगा और बहुत ही मैनेजेबल आपके बालों को बना देगा। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, बी सेफ एंड बी गॉर्जियस, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इस चैनल को इस तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, बी सेफ एंड बी गॉर्जियस।